हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण धाराएं एवं उनके बारे में जानेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि फलाने फलाने को इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, न्यूज में आता रहता है। ठीक है, जैसे कोई मर्डर होता है, कोई हत्या होता है, कोई भी मतलब वो होता है, तो उसमें दिया जाता है कि पुलिस वाले ने 302 की धारा लगाकर जेल भेज दिया, या फिर 376 लगाया, 375 लगाया। आपने सब देखा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो धारा बताया जाता है उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए और ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं कोई कमी नज़र आएगी तो कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हमारी कुछ आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी। भाई देखिए, अगर रात्रि में हम 12 बजे तक चिल्ला चिल्ला के आपको ये सब जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम अपने 2-3 मित्रों में शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। अक्सर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो लोग नहीं जानते उन तक भी ये जानकारी पहुँचाइए, ये आपका अपना कर्तव्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। जानिए IPS में धाराओं का मतलब। ठीक है, देखिए भाग ये नहीं भाई, देखिए भाग रहा है ये थोड़ा सा, जैसा कि आप जान रहे हैं हमने इसको इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो IPS में धाराओं का मतलब धारा 307। दोस्तों, अगर आप किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं तो हत्या की कोशिश करना भी धारा 307 के अंतर्गत आता है और आपको लंबे समय के लिए कारावास मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करिएगा। अगला है धारा 302। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, यानी कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, सॉरी अब आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसके ऊपर धारा 302 लगाई जाती है। ठीक है, अगर कहीं पेपर में निकल रहा है, न्यूज में आ रहा है कि किसी को अगर धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, इसका मतलब उसने किसी की हत्या किया हुआ है। ठीक है, बलात्कार जो कि आजकल पेपर में देख रहे हैं, आम बात हो चुकी है। दोस्तों, ये धारा 376 के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारा 395 के अंतर्गत डकैती चोरी के अंतर्गत धारा 395 आती है। अगर किसी को 395 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, इसका मतलब उसने किसी के घर में चोरी या डकैती डाली थी। ठीक है, और धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। अप्राकृतिक कृत्य मतलब, जैसे आपने इस उदाहरण को देखा होगा और अच्छे से समझ सकते हैं, दिल्ली की जो 16 दिसंबर की निर्भया कांड की घटना हुई थी 16 दिसंबर 2012 को, दोस्तों उसमें अप्राकृतिक कृत्य हुआ था, जिसमें लोहे की राड का उपयोग किया गया था और शराब और दारू की बोतलों का प्रयोग किया गया था, और उस इन सब चीज़ों को इन जो भेड़िए थे, कुत्ते थे, इन लोगों ने क्या किया था, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिया था। अब आप इसको समझ सकते हैं अप्राकृतिक कृत्य क्या होता है। ठीक है, अगला धारा 396। ठीक है, धारा 396 क्या होता है? डकैती के दौरान हत्या करना, यानी अगर कोई किसी के घर में डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, और उस दौरान किसी की हत्या भी कर देता है चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, तो उसको धारा 396 भी लगेगी और धारा 395 भी लगेगी। ठीक है, अगला है धारा 120। धारा 120 के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार कब किया जाता है, या फिर धारा 120 कब लगती है? अगर किसी ने कोई षड्यंत्र रचा है, मान लीजिए कि किसी बैंक को लूटने का प्लान बनाया, ठीक है, या फिर किसी के घर में चोरी करने का प्लान बनाया, और प्लान बनाने में 3 लोग थे, लेकिन डकैती किया, जो चोरी किया उसमें केवल 2 ही लोग गए, 1 लोग बच गए, तो दोस्तों जो चोरी डकैती किया उसके ऊपर तो 396 लगेगी। ठीक है, लेकिन जो षड्यंत्र बनाने में एक बंदा बैठा था उसके ऊपर भी धारा 120 लगाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उस टीम में शामिल था पंचायत में जहां पर वो चोरी या फिर डकैती का षड्यंत्र बनाया गया। ठीक है, धारा 365 अपहरण। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चों का या फिर किसी महिला या फिर लड़की का अपहरण कर लेते हैं, तो इस कुकृत्य के लिए क्या होता है, धारा 365 लगाई जाती है। ठीक है, सबूत मिटाना। सबूत मिटाना, आपने बहुत से कांड सुने होंगे, पेपर में देखे होंगे, न्यूज में आते हैं कि किसी ऐसे मर्डर कांड का नाम आता है जिसमें बताया जाता है कि वहाँ पर हत्या की गई थी और उसके बाद वहाँ के जो खून वगैरह है उसको मिटाने के लिए धुल दिया गया फर्श को, कपड़े को फेंक दिया गया, यानी कि वहाँ से सबूत को पूरी तरह से मिटा दिया गया कि यहाँ पर हत्या हुई थी या फिर मर्डर हुआ था। तो दोस्तों, अगर जिसने हत्या नहीं भी किया है और अगर उसने सबूत मिटाया है, यानी वहाँ पर साफ सफाई करने में सहयोग किया है और हत्या किसी और ने किया है, तब भी अगर उसने सबूत मिटाने में सहयोग दिया है तो उसके ऊपर धारा 201 लगाई जाएगी। ठीक है, धारा 34 कहाँ लगती है? समान आशय में। ठीक है, धारा 412 छीना झपटी में लगती है। आपने देखा होगा महिलाओं के चेन छीन लेते हैं, झपट लेते हैं, और छीना झपटी मतलब कहीं भी, जैसे
क्या बोलते हैं, भगदड़ मच जाती है वहाँ पर अगर छीना झपटी होती है और उस केस में कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, धारा 412, ठीक है। धारा 378 चोरी में की जाता है। देखिए चोरी और डकैती में अंतर होता है दोस्तों। चोरी करने का मतलब एक सिंपल सी बात है, चोरी, ठीक है। डकैती का मतलब कि पूरे घर की चीज़ों को तहस नहस करना, मतलब पूरा घर को लूट लेना ही चोरी डकैती होता है, ठीक है। और चोरी का मतलब जैसे कोई एक सामान किसी ने चुरा लिया, मान लीजिए किसी की बाइक चुरा ले गया, साइकिल चुरा ले गया, कार चुरा ले गया, तो ये क्या है, एक चोरी के रूप में आया। लेकिन अगर घर में रखे सारे जेवरात चुरा लिए, बाइक कार साइकिल जो भी था घर में सब कुछ उठा ले गए, तो इसको क्या बोलेंगे, डकैती पड़ा था, ठीक है। तो धारा 378 के अंतर्गत क्या आता है आपका, चोरी, ठीक है। 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव के जो अपराध हैं वो धारा 141 के अंतर्गत आते हैं। धारा 191 किस पर प्रयोग किया जाता है भाई, मिथ्या साक्ष्य। मिथ्या मतलब होता है झूठा, साक्ष्य मतलब सबूत। अगर आप किसी केस के बारे में झूठे सबूत को पेश करते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसी बात है और ये गवाह है, और बाद में वो जांच करने के बाद झूठा निकलता है, तो आपके ऊपर धारा 191 लगाई जाएगी और फिर आपकी कुछ और सेवा होगी, ठीक है। अगला देखिएगा धारा 300। अभी आपने देखा था धारा 302 हत्या करना और धारा 300, दोस्तों ये दोनों लगभग एक समान कार्य पर लगा जाते हैं, ठीक है। धारा 300 और 302, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी होगी तो ज़रूर बताइएगा। अगला धारा 309, आत्महत्या की कोशिश करना। दोस्तों आपकी ज़िंदगी भी जो है वो आपके हाथ में नहीं है, अगर आप मरने की कोशिश करते हैं, किसी को नहीं मारते हैं, खुद मरने की कोशिश करते हैं, फांसी लगाने की कोशिश करते हैं, नदी में कूदने की कोशिश करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको कैद किया जाएगा और आपके ऊपर धारा 309 लगाई जाएगी, ठीक है। या कहने का मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अगला है धारा 310। धारा 310 इसके अंतर्गत ठगी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी समय फ़ोन कॉल आते हैं, और आपको मैं भी सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग उनके झांसे में ना पड़े। फ़ोन कॉल में कुछ ऐसा होता है, सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, कृपया आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताएं, या फिर आप अपना पिन बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, मोबाइल नंबर बताएं कि आप एटीएम कार्ड को चालू करना चाहते हैं, जल्दी बताएं नहीं तो आपका एटीएम कार्ड एकदम से ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर कभी नहीं चालू होगा। तो कुछ ऐसे बेवकूफ़ भाई होते हैं हमारे जो फटाफट सब कुछ बता देते हैं और बाद में मैसेज आता है कि योर अकाउंट, मतलब कि ₹5,000 या फिर 50,000 हैज बीन डिवाइडेड, तो मैसेज आता है तो उनको समझ में आता है भाई 50,000 कट गया खाते से, या फिर 1,00,000 कट गया, 10,000 कट गया, फिर वो रोना गाना शुरू करते हैं और उसके बाद होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा इतना था कि जिन लोगों ने इस कार्य को किया वो किसके अंतर्गत आएंगे, धारा 310 के अंतर्गत, यानी कि अगर उनको पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर धारा 310 लगाई जाएगी और वो ठगी के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाएंगे, फिर उनकी सेवा होगी, ठीक है। आगे देखिएगा धारा 312। धारा 312 जो है ये गर्भपात करना कराना, ठीक है, इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। अगर किसी ने मतलब गर्भपात को यानी कि प्रेगनेंसी को नष्ट करवाया, यानी कि कहने का मतलब हिंदी में बोले तो बच्चे को गिरवाया, तो इसके अंतर्गत धारा 312 लगाया जाता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है। और इसमें सम्मिलित डॉक्टर को यानी कि पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित है, इस कार्य में सम्मिलित जो डॉक्टर होता है, उसका कंपाउंडर होता है, उसका सहायक होता है, और उस लेडीज को जो ले जाने वाले होते हैं, यानी जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन सभी लोगों की अच्छे से धुनाई की जाती है, ठीक है। ये सभी जितने भी आप यहाँ कार्य देख रहे हैं सभी जो है ना करने वाले कार्य हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या है, स्त्री लज्जा भंग करना, ठीक है। ये 354 के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर आपने, कहने का मतलब स्त्री लज्जा भंग करना, अब आप समझ चुके होंगे, किसी स्त्री की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये जो है धारा 354 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अपहरण करना, अपहरण करना इसके अंतर्गत 362 के अंतर्गत आता है। अगर किसी को कोई अपहरण करके ले जाता है तो उसके ऊपर धारा 362 लगाया जाता है, ठीक है। और छल करना, किसी के साथ छल कपट करना, इसके अंतर्गत 412 आता है, ठीक है। 412 धारा के अंतर्गत तो गिरफ्तार किया जाता है। गिरिभेदन, गिरिभेदन इसके अंतर्गत
धारा 345 445 निर्धारित की गई है। और दोस्तों, पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, अगर आपकी पत्नी या फिर आपकी पति पहले से प्रेजेंट है और उसके होते हुए आप दूसरी शादी करते हैं तो आपको भारत में धारा 494 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। फिर आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आपने दूसरी शादी क्यों किया। ठीक है, ये जो धारा है दोस्तों हमारे समझ से हिंदुओं में ही लागू है, क्योंकि मुसलमानों में कई शादी जो है वो अलाउ रहती है, लेकिन हिंदू धर्म में बोले तो एक ही शादी अलाउ होती है। और अगर वो पत्नी जब तक जिंदी है या फिर वो पति जब तक है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है,